नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जी हां, दस्तक के स्पेशल टेलीकास्ट में बेंगलुरु के इसरो सेंटर से आपका स्वागत है, क्योंकि इसी इसरो सेंटर के साथ आज पूरा देश गवाह बनेगा ऐतिहासिक लम्हे का। जी हां, आज की रात पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की रात है। ये वो रात है जब अब से कुछ ही देर बाद आसमान के पार चांद पर हम कदम रखने वाले हैं। ये वही रात है जब अब तक बॉलीवुड और तमाम किस्से कहानियों में चंद्रमा की बात सुनने वाले हम और आप उस चांद पर कदम रख, आज तिरंगा चांद पर पहुंचने वाला है। और इसीलिए हम आपको अपनी पहली रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि इसरो सेंटर में हम मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं पूरा कंट्रोल सेंटर, क्योंकि यहीं पर सब कुछ मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकी हर जगह जबरदस्त जोश और उत्साह है, तो उस कौतूहल का अंदाजा लगाइए जो इस वक्त इस कंट्रोल सेंटर में होगा, क्योंकि लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। चांद की सतह से 35 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान 2 अपना डिसेंट यानी नीचे आने की कोशिश शुरू कर देगा, जिसके बाद चांद की सतह पर उसे उतरना है। जी हाँ, चांद की सतह पर हिंदुस्तान के उतरने की आज रात है। आज रात 1:55 पर चंद्रयान 2 से विक्रम लैंडर चांद पर उतारा जाएगा। पूरा देश गवाह बनेगा कि कैसे हिंदुस्तान ने अपने इस कीर्तिमान के साथ रच दिया एक नया इतिहास। ये रिपोर्ट। जिसके हासिल से हिंदुस्तान ने संसार को अपने इरादों का आसमानी पता भेजा है। धरती, सागर, जंगल, लहरों और वायुमंडल से बहुत दूर उस दहलीज पर रखा है हमने अपना कदम, जिसके दरीचे से झांक रहा है हमारा हुनर, हमारी आशा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा चंद्रयान। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सफलता होगी, और ये वो कदम है जो अभी किसी ने उस दिशा में किसी ने उठाया नहीं है। ये कदम कुछ गिने चुने देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग किया है चंद्रमा के ऊपर, लेकिन जिस जगह पे ये जा रहा है साउथ पोल रीजन में, वहाँ पे कोई गया नहीं है, तो वहाँ अननोन फैक्टर्स। रात के तीसरे पहर में जब चंद्रयान चांद की सतह पर छुएगा, तो इतिहास के पन्ने उन घड़ियों को अपने पन्नों में समेट लेंगे। ध्रुव तारे देंगे विक्रम के देश को सलामी। नभ, सच में अगर कोई देवता है तो उन्हें भारत से बराबरी पर बात करनी होगी। बस 4 कदम की दूरी पर है वो चमत्कार जिसे चंद्रयान कह रहा है जमाना। भारत का ये अभियान पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिपेंडेंट है और इंडिजिनस है। इसका एक एक कल्पना, एक एक डिजाइन भारत के ही वैज्ञानिकों का अपने ही देश में तैयार किया गया है। बेसब्री का आलम देखिए कि प्रधानमंत्री रूस की एक थका देने वाली यात्रा से लौटने के बावजूद उन पलों को देखने को बेताब है। लैंडर विक्रम के लैंडिंग के वक्त पीएम मोदी भी इसरो सेंटर में मौजूद रहेंगे। 1:30 से 2:30 बजे के बीच लैंडर जब चंद्रमा की सतह को छू रहा होगा और रोवर प्रज्ञान अपने कदम बढ़ा रहा होगा, तो खुद पीएम मोदी वैज्ञानिकों के बीच होंगे। उन्होंने ट्वीट किया है, भारत के इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और खुशी है कि मैं बंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद रहूंगा। अलग अलग राज्यों से आए हुए नौजवान भी उन खास पलों के गवाह बनने के लिए मौजूद होंगे। भूटान के भी नौजवान वहां होंगे। उन 70 छात्र छात्राओं की तो खुशी का ठिकाना नहीं है जिन्हें बनने वाले इतिहास ने उन मतवाले लम्हों की सोहबत के लिए चुना है। एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा के जरिए इसरो ने हर राज्य से सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 2-2 छात्रों को बुलाया है। 1 बजे के आसपास विक्रम लैंडर लैंड करेगा और हम लोग वही इसरो के रूम, इसरो के कंट्रोल रूम में सारे बच्चे मोदी जी के साथ उसकी लैंडिंग देखेंगे। वो पीढ़ियां जो इन पलों की साक्षी बनने वाली हैं, वो गुमान के साथ कह सकेंगी कि हमने चांद की सीढ़ियां देखी हैं। वो कह सकेंगी हमने चंद्रयान की उड़ान देखी है। वो कह सकेंगी कि हमने चांद से विज्ञान की मुलाकात देखी है। इसीलिए लोग पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अध्यात्म और विज्ञान के इस संधि स्थल पर घटित विश्वास की सारी आराधनाएं एक ही मंजिल की चाहना में एकाकार हो गई। बस चंद्रयान चांद की सतह पर एक बार सकुशल उतर भर जाए। जो हमारा जो चंद्रयान 2 है
वो साउथ पोल तक अच्छे से पहुंच जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए हम लोगों ने ये पूजा हवन किया है। 31 ब्राह्मण के नेतृत्व में यह पूजा किया जा रहा है। ईश्वर से यह कामना किया जा रहा है कि चंद्रयान 2 जो उतरने जा रहा है वो सुरक्षित उतर जाए। चूँकि पूरे दुनिया में 2-3 ही ऐसे देश हैं जो इस कार्य में सफल हुए हैं, और उस कार्य में आज हमारा हिंदुस्तान सफल होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसरो का मुख्यालय अपने आप में एक दुनिया बन गई है, एक तीर्थ स्थल में तब्दील हो गया है यह मोहल्ला। यात्राओं और मंजिलों के इस मिटे हुए भेद पर सारी कामनाओं का अर्थ एक हो गया है, हमको चांद लाके। दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश के लिए ये एक सपना है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह के बजट के साथ इस मिशन को कामयाब किया है उस पर पूरा विश्व आज हैरत के साथ देख रहा है। जी हाँ, इसरो से लेकर नासा तक हर एक की नजर है कि चंद्रयान 2 जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा तो कौन सी वो नई खोज है जो हिंदुस्तान और विश्व के सामने आएगी। बड़ी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन ये बहुत आसान सफर नहीं रहा है, और खास तौर पर वो आखिरी लम्हे जब विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। ये लैंडिंग बहुत ही बड़ा रिस्क है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बीच हमारे वैज्ञानिकों में भी जबरदस्त आत्मविश्वास है और ऐसी चुनौतियों से लड़ गुजर कर कामयाब निकलने की संभावना। घड़ी की सुइयों की टिकटिक आपको सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन आप अपने दिल की धड़कनों की तेजी को बहुत अच्छे से सुन रहे हो। थोड़ी बेसब्री, थोड़ी अधीरता, थोड़ी उत्सुकता और बहुत सारी उम्मीदों से अपने दिल को सवार कर कि आज की रात चांद हिंदुस्तान का हो जाए। Final stage, it is going to hover around 100 meters or so, and then release it very slowly, so that it's almost like placing a baby in the cradle. So that kind of operation is what we are attempting. चांद के दक्षिणी छोर पर हिंदुस्तान का चंद्रयान अपने कामयाबी भरे अभियान के आखिरी चरण में पहुंच चुका है। बस चंद घंटों की दूरी पर चांद पर हिंदुस्तान होगा, लेकिन चांद पर हिंदुस्तान की कामयाबियों के कदम पहुंचेंगे उसमें आखिरी 15 मिनट बेहद चुनौती भरे होंगे। आखिरी 15 मिनट के पहले 10 मिनट में चंद्रयान 2 चांद से 7.7 किलोमीटर दूर रह जाएगा। उसके बाद अगले 38 सेकंड में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उसके अगले 89 सेकंड में उसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी और वो केवल 400 मीटर का सफर तय करेगा। इसके बाद अगले 66 सेकंड में वो चांद से महज 100 मीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। लेकिन चांद तक पहुंचने का यह रास्ता आसान नहीं होगा। आखिरी 100 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद ही लैंडर विक्रम लैंडिंग को लेकर आखिरी फैसला करेगा। जा रहे हैं क्योंकि वहां परमानेंट ट्रैप कोल्ड रीजंस रह सकते हैं, वॉलेटाइल्स रह सकते हैं, किसी मात्रा में जैसे हाइड्रेटेड मिनरल्स वगैरह रह सकते हैं, तो उनकी खोज पे जा रहे हैं, तो उनके कुछ हमें उत्तर तो मिलेंगे, क्योंकि वहां पहुंच के पास से बारीकी से जो वहां पे आंकड़े होंगे वो किसी ने लिए नहीं है। साउथ पोल रीजन से किसी ने वो आंकड़े लिए नहीं है, और वो आंकड़े चाहिए भी। ये अभी दौर ऐसा है जहां पे हम उसी दिशा में देख रहे हैं। शनिवार तड़के लैंडर के चांद पर उतरने से पहले इसरो ने एक वीडियो के जरिए समझाया कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए मशीन में 3 कैमरे, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा, लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा और लैंडर हजार्डर्स डिटेक्शन एंड अवेयरनेस कैमरा लगे हैं। इसके साथ 2 ए बैंड अल्टीमीटर 1 और अल्टीमीटर 2 है। लैंडर के चांद की सतह को छूने के साथ ही इसरो चेस्ट, रंभा और एल्सा नाम के 3 उपकरणों की तैनाती करेगा। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद इसके भीतर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी की 14 दिनों की अवधि तक अपने वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम देता रहेगा। वैसे बस वक्त का एक महीन फासला गुजरेगा और भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।
और ये 6 तारीख रात को नहीं तो 7 तारीख सुबह में वहां से नीचे उतरेगा, उसके जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो उसका उपयोग करके, और वो धीरे धीरे चंद्र के पृष्ठभाग पर जाकर पहुंचेगा। चांद पर यह सॉफ्ट लैंडिंग खुद में एक इतिहास है तो साथ ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि इससे पहले इसरो ने कभी ऐसी प्रक्रिया को पहले अंजाम नहीं दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद क्या होगा। विक्रम के लैंड करने के 2 घंटे के बाद उसका रैंप खुल जाएगा, उसके अंदर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और अपने वैज्ञानिक प्रयोग शुरू कर लेगा। प्रज्ञान चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा जहां रोशनी नहीं है। ये इलाका अंधकार में डूबा रहता है, लेकिन यहां पानी होने की संभावना है। प्रज्ञान बताएगा कि वहां पानी है या नहीं, साथ ही ये भी पता करेगा कि वहां पर कोई मिनरल वगैरह भी है क्या। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए पानी की जरूरत हो। तब से देख रहे हैं कि अगर जो आगे जाकर चंद्र पे जो कुछ आगे जाके जो स्टेशन बनाना है तो वहाँ पानी की तो जरूरत रहेगी, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कहाँ पर पानी मिल सकता है, तो वहाँ सबसे ज्यादा शक्यता है, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0 22 जुलाई को जब चंद्रयान 2 चांद के लिए निकला था तो एक मुकम्मल अंतरिक्ष यान था। धीरे धीरे इसके 2 हिस्से हुए, ऑर्बिटर और लैंडर। अब रोवर यानी प्रज्ञान भी अलग होने वाला है। इन तीनों को ट्रैक करना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती होगी, लेकिन 48 दिनों की महान साधना से इसरो के वैज्ञानिकों ने उस दूरी को बच्चों का खेल बना दिया जो धरती से चांद को 384,000 किलोमीटर दूर पाता है। अंजना ओम कश्यप के साथ नागार्जुन, बंगलुरु, आज तक। आज हिंदुस्तान के चांद पर पहुंचने तक के सफर में हमारे कदमों का पीछा पूरा विश्व कर रहा है। ये वो गुमान है जो हमारे वैज्ञानिकों ने 130 करोड़ भारतवासियों को दिया है। बहुत मुश्किल रहा है ये सफर, और इसीलिए आज वो लम्हा है जब मुड़कर जरा पीछे देखते हैं, कौन सी चुनौतियां, कौन सी परेशानियां, कौन सी कमियों के बीच भी हजारों रातों की नींद कुर्बान करके हमारे वैज्ञानिकों ने ये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाया है। जी हाँ, आज उस मंजिल का दिन है जहाँ पर पीछे सफर के रोमांच को देखना जरूरी है। सारी दुनिया टकटकी लगाए बैठी, रूस, अमेरिका, चीन दंग है अभी तक की कामयाबी पर। सोच रहे हैं कि क्या वाकई हिंदुस्तान अंतिम छलांग लेकर उनकी बराबरी में शामिल हो पाएगा। इसीलिए तो 48 दिन पंख लगाकर उड़ गए, लेकिन अब जैसे हर लम्हा इंतजार की सदियों में पसर गया। जस्ट अच्छे से सारी लैंडिंग हो जाए, सेफ हो जाए, और जो भी हम रिसर्च करना चाहते हैं उसमें हम सक्सेसफुल हो, ताकि हमारा इंडिया और आगे बढ़े। मून के बैक साइड पे क्या है ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और ऑफ कोर्स मैं टीवी के सामने बैठ के उसे देखूंगी, बिकॉज अब तक वहाँ कोई नहीं गया था और इंडिया ने ये स्टेप बढ़ाया है, तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं फाइनली, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। इस महान वैज्ञानिक उपलब्धि पर भारत के गुमान का आसमान इसलिए भी बड़ा है कि हमने संसार के दूसरे देशों के मुकाबले इसे बहुत कम लागत में हासिल किया है। इसरो ने चंद्रयान 2 पर केवल 978 करोड़ रुपए खर्च किया है। हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर की लागत भी इससे कहीं ज्यादा थी। चीन ने चांगी मून मिशन पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। इसराइल के बेरशीट मिशन पर 1400 करोड़ रुपए की लागत आई। ये दिन यूं ही नहीं आया है हमारी जिंदगी में, इसके पीछे वैज्ञानिकों की 50 साल की साधना, नेहरू की दूरदृष्टि और विक्रम साराभाई के नेतृत्व का कमाल है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम इतने प्राउड हैं इस बात के, और इसरो के स्पेशली। जरा याद कीजिए, तकनीकी खराबी आने के बाद 15 जुलाई को इस मिशन को टाल दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया और एक हफ्ते से भी कम समय में उन्होंने 22 जुलाई की लॉन्चिंग के लिए अंतिम गिनती शुरू कर दी। दरअसल लॉन्चिंग का समय चुनने के लिए लंबी गणना की दरकार होती है। पृथ्वी और चांद की गति का मिलान किया जाता है। चंद्रयान 2 के मामले में पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट में घूमने से लेकर लैंडिंग तक में लगने वाले हर समय की गणना की गई। यान ने 23 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाए और इसके बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने में इसे 6 दिन लगे।
उसमें उतरते समय काफ़ी तकनीकी व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो वही सबसे ज़्यादा क्रूशियल हमारे पास टाइम है, जब उसको एक बहुत धीमे धीमे, जैसे लिफ्ट धीरे धीरे से नीचे से आती है, उसी तरीके से उसको धीरे धीरे नीचे उतारना है, ताकि हमारे रोवर को किसी भी तरह की क्षति नहीं हो। भारत के पास गुमान करने के लिए केवल इतना ही नहीं है कि वो दुनिया की महाशक्तियों से होड़ ले रहा है, वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी। दरअसल चंद्रमा अभियान में भारत रूस, अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गया है। इसके बावजूद कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद को छूने वाला चौथा देश है, लेकिन चंद्रयान 2 पहला ऐसा यान है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अभी तक चांद के इस हिस्से से अंतरिक्ष वैज्ञानिक पूरी तरह अनजान है। चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी हिस्से में मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिजों का पता लगाएगा, लेकिन चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा मिशन चांद पर पानी या उसके संकेतों की खोज है। जो सामान्यतः हम लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उसी का एक छोटा प्रतिरूप समझ लीजिए कि आपने कुछ देखा और समझ में आ गया। आजकल तो फोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी होती है, आप अपना चेहरा देख के खुद खोलते हैं, तो उसी तरीके से कई सारे सेंसर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेंस करके अपने आप ही पूरी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तो इस तरीके की जो हमने टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसरो के पास, जब उसको चालू करेगा तो उससे हमें खुद ही संदेश प्राप्त होने लगेंगे। आखिरकार हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम विश्व गुरु होने का दावा ऐसे ही नहीं करते, हमने विकास के लंबे कालखंड में यह गुरूर हासिल किया है। भारत की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाइए कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी ही कर रही है। नासा 2024 में चांद के इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने वाला है। जानकारों का मानना है कि नासा की इस योजना का बहुत बड़ा हिस्सा चंद्रयान 2 की कामयाबी पर निर्भर करता है। स्पेस में नंबर 1 बनने का है और बहुत जल्दी, मतलब मुझे पूरा यकीन है अपनी इसरो टीम पर, अपने आने वाली पीढ़ी पर या यंग स्टूडेंट्स पर कि हम बहुत जल्दी वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे। आज जबकि विक्रम की हर गतिविधि पर हम टकटकी लगाए बैठे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि जिन विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, उन्हें जब नेहरू ने अंतरिक्ष कार्यक्रम का जिम्मा सौंपा था तो लोग उन पर टूट पड़े थे। नए नए आजाद देश में इतना बड़ा खर्च एक फिजूल खर्ची के तौर पर देखा गया था, लेकिन नेहरू ये अच्छी तरह समझते थे कि ये विलासिता नहीं है, एक ऐसी जरूरत है जिसके बिना हम नई दुनिया के साथ कदम ताल नहीं कर सकेंगे। सोचिए, आज सैटेलाइट न होते तो हमें मौसमों का पता न चलता, आपदाओं का पता न चलता, दुश्मन की गतिविधियों का पता न चलता, और नहीं देख पा रहे होते आप अपने घरों में टीवी सेट पर आराम से बैठकर ये सीधा प्रसारण। बंगलुरु से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सोचिए, हम और आप तो बस आज की रात जाग रहे हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने हजारों रातों की नींद अपनी कुर्बान की है, तब जाकर आज ये दिन हिंदुस्तान के नाम आया है, दिन गुमान करने का, गर्व गौरव का। चलिए जागिए हमारे साथ, क्योंकि आज तक के जरिए आप लगातार कवरेज देखेंगे, लेकिन इस चांद का फसाना जरा हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, फिल्मों में चांद का फसाना बहुत रहा है, लेकिन फिल्मों में चांद के फसाने के आगे क्या है पूरा सच, ब्रेक के बाद देखते रहिए। आज आपका फिर से इसरो के बेंगलुरु सेंटर में स्वागत है। जी हाँ, आज भारत चांद पर उतरेगा, ये एक लाइन ये बताने के लिए काफी है कि यही कीर्तिमान है, यही गुमान है, यही गर्व है, यही गौरव है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का, लेकिन इसके पीछे ताकत, मेहनत, दूरदृष्टि हमारे वैज्ञानिकों की और सोच उस एक व्यक्ति की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाई और इस तरह से इस पूरे मिशन को जबरदस्त अंजाम तक पहुंचाने की मुहिम में अपना साथ दिया। ये वो तस्वीर है जिसने संदेश दिया था कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दिलचस्पी है। खासकर 15 जुलाई को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग टल जाने के बाद वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने तब तक चैन से सांस नहीं ली जब तक चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक रवाना नहीं हुआ। चंद्रयान 2 मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने वैज्ञानिक शोध कार्यक्रमों के रास्ते से सारी अड़चनें दूर करने की कोशिश की है।
वो नहीं चाहते कि हमारे वैज्ञानिकों को किसी प्रशासनिक कारण से ऐसे कामों में फंसना पड़े जिससे उनकी स्वाभाविक गति प्रभावित हो। The expert team constituted was really under job for last 7 days so that to ensure that every system are function properly. It is my duty to salute all the people who have done the work, make it happen successfully. पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की रक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है, या जिस तरह से वो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सपना देख रहे हैं, या जिस तरह से वो आधुनिक यातायात व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, उसके लिए भारत की अंतरिक्ष शक्ति का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी जानते हैं कि पढ़ाई से लेकर दवाई तक में उपग्रहों की जरूरत है। अंतरिक्ष आज हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपग्रह उपलब्ध हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जैसे कृषि, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, संचार, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टीवी, मौसम की जानकारियां, नेविगेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। इसीलिए जब डीआरडीओ ने एंटी सैटेलाइट मिशन में कामयाबी हासिल की तो मोदी आम चुनाव की तमाम व्यस्तताओं के बीच वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए आ गए। हमारे उपग्रहों का लाभ सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मछुआरे हो, विद्यार्थी हो, सुरक्षा बल हो। दूसरी ओर चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। चंद्रयान 2 ने जो मकाम हासिल किया है उसके पीछे प्रधानमंत्री की सीधी दिलचस्पी और इसके लिए हर अड़चन के बीच से रास्ता बनाने की जिद है, इसका इजहार उनका ट्वीट भी करता है। मैं 22 जुलाई यानी लॉन्चिंग डेट से ही चंद्रयान से जुड़े सभी अपडेट लगातार हासिल करता रहा हूं। ये अभियान भारतीयों की प्रतिभा और मेहनत को प्रदर्शित करता है, इससे करोड़ों भारतीयों को लाभ होगा। आप भी इस ऐतिहासिक पल को देखें और सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करें। मैं इनमें से कुछ को रीट्वीट करूंगा। एक उन्नत, खुशहाल और सुरक्षित भारत पीएम मोदी का सपना है। वो समझते हैं कि ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारी अंतरिक्ष ताकत उन्नत न हो। विश्व में स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। शायद जीवन इसके बिना अधूरा हो जाएगा। सोचिए कितना लंबा फासला तय किया है। 21 नवंबर 1963 को केरल के थुम्बा में साइकिल से रॉकेट के पुर्जे ढोकर ले गए थे हमारे वैज्ञानिक। नारियल के पेड़ों के बीच स्टेशन का पहला लॉन्च पैड बनाया गया था। एक चर्च को वैज्ञानिकों के लिए कार्यालय बनाया गया था। बिशप के घर को वर्कशॉप और तबेले को प्रयोगशाला। और आज चंद्रयान हमारा, चांद हमारा, आज तक। जी हाँ, ये पूरा सफर ही रहा है चांद पर तिरंगे को पहुंचाने की, और इसीलिए ये अथक मेहनत, प्रयास हमारे वैज्ञानिकों की आप देख रहे हैं। इस वक्त भी कंट्रोल सेंटर पीछे आपको दिखाई दे रहा है और जबरदस्त हलचल इस वक्त वहां पर है, क्योंकि लगातार ट्रैकिंग की जा रही है। चांद की सतह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ वैज्ञानिक ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसी के जरिए ये तय होना है कि कैसे 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले चंद्रयान को धीरे 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 चांद की सतह पर उतारा जाएगा। लेकिन अब बात उस विकास की जिसमें इस चांद तक पहुंचने के सफर को एक लंबी छलांग माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा जोर विकास पर रहा है। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क है जिसका जोर विनाश पर रहा है। जी हाँ, वो लॉन्च पैड पर आतंकियों को पहुंचाते हैं, हम चांद पर हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को पहुंचाते हैं। ये है वो फासला
पाकिस्तान से हिंदुस्तान का। जी हाँ, 61 में उन्होंने भी एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम किया था। आज देखिए क्या हालत है उस मुल्क की, और देखिए हमने कैसे 8 साल बाद इसरो को स्थापित किया और आज चांद पर है। विश्वास सभी भारतीयों के मन में है, चंद्रमा पर चंद्रयान 2 इसकी सफलता और सफल लैंडिंग भारत को अंतरिक्ष की खोज में और भी आगे ले जाएगी। ऐसा नहीं है कि आसमान की बुलंदियों को छूने के नाम पर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाने में कोई कमी छोड़ी है। 1961 में पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन बनाया, जबकि भारत ने बनाया 8 साल बाद 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। लेकिन पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 1990 में छोड़ा, और वो भी दूसरे देश की मदद से। लेकिन भारत ने तो इसरो बनाया और 6 साल के अंदर ही 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेज दिया। और हाँ, जहाँ हिंदुस्तान ने हमेशा ही वैज्ञानिकों को सम्मान और तरजीह दी और इसरो का प्रमुख कोई महान वैज्ञानिक बनता रहा है, वहीं पाकिस्तान अपने स्पेस कमीशन का मुखिया सेना के अधिकारियों को बनाता रहा है। अब जिस देश का अंतरिक्ष विज्ञान भी आतंकवादियों से भरी फौज का मोहताज हो, उसका तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकते। मैं नरेंद्र मोदी को साफ बताना चाहता हूं कि आपकी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। या हमारी फौज तैयार है कि किसी किस्म का आजाद कश्मीर पे इन्होंने कुछ भी किया तो हम इनके लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान ने अंतरिक्ष में छलांग को विकास का पैमाना समझा, और पाकिस्तान भारत के साथ एक संकुचित होड़, और इस होड़ में उसका ज्यादा समय युद्ध की बातों में बीता, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी और भूख से लड़ने की सलाह पाकिस्तान को भी देते रहे। पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें, और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी। हमेशा हमारे बायलेटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। वक्त के साथ इसरो कामयाबियों के तमाम चांद सितारों को अपने सीने पर सजाता गया। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते स्पेस प्रोग्राम में भारत का इसरो है। आज अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को छोड़ने के लिए जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान और फ्रांस जैसे देश इसरो की मदद ले रहे हैं। जून 2016 में इसरो ने एक साथ 20 सैटेलाइट छोड़े, और फरवरी 2017 में तो एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसरो ने अंतरिक्ष का परिचय भारत से करवा दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि आतंकवाद से अपना परिचय छोड़ने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क इसी इसरो की जानकारी लेते हैं, मदद लेते हैं, जिसने चंद्रयान 2 को चंद्रमा की राह पर भेज दिया है। जी हाँ, इसरो की कहानी प्रेरणा की कहानी है। पहला रॉकेट साइकिल पर, दूसरी बार जब रॉकेट ले जा रहे थे लॉन्च पैड पर तो बैलगाड़ी में, वहां से यहाँ तक का सफर, आज चांद पर पहुंच रहे। हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की इन तस्वीरों की बुनियाद काफी पहले रखी गई थी, तब जब हमारे पास रॉकेट को ढोने के लिए सवारी के नाम पर कभी साइकिल होती थी तो कभी बैलगाड़ी। ये तस्वीरें धुंधली हो गई हैं, लेकिन आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखों में चमक बिखेर देती है। विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते 1969 में इसरो की स्थापना हुई, तब शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे। कम बजट और संसाधन की कमी ऐसी कि रॉकेट को साइकिल से ले जाना पड़ता था। ऑफिस नहीं था तो एक कैथोलिक चर्च में बैठकर प्लानिंग की जाती थी।
वहीं रॉकेट लॉन्च के लिए ताड़ के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन मुश्किलों को ही हमारे वैज्ञानिकों ने कामयाबी की सीढ़ियां बना ली और आज दुनिया इसरो को सलाम कर रही है। आज तक फिर ये तो देखा आपने इसरो का सफर, अब बारी आपकी है, जागते रहिए और आज इस ऐतिहासिक कदम के गवाह बनने के लिए आज तक के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के चांद पर पहुंचने के हर कदम की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आज तक पर। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।